नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल 18 न्यूज में। आज वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी से महिला उम्मीदवार ऋतु बाला व उनके पति राकेश कुमार से विशेष बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र, नेशनल 18 न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जीरकपुर में नगर परिषद के चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड नंबर 30 से बीजेपी उम्मीदवार तृप्ता शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं उनका इस इलेक्शन में क्या एजेंडा है, क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज अपनी वार्ड की जनता के लिए बनाई हैं, क्या महिलाओं के लिए सोचा है और क्या उन्होंने अपनी वार्ड में प्रॉब्लम्स फेस की। तो मैम, पहले तो नेशनल 18 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 30 तो बीजेपी के मेंबर हाँ, मैं अपने वार्ड के सुधार के लिए ही अगे वधी हाँ। मैं इत्थे 15 साल तो रह रही हाँ और 15 साल के बीच मैंने काफ़ी कमियाँ देखिया ने, जैसे सड़कों का विकास नहीं हो रहा प्रॉपर और बिजली का, तारा का, जिमें रेन वाटर है, इन्हों का प्रॉपर कोई नहीं हो रहा है। इन्हों सारिया चीज़ों मैं ठीक करने अगे वधी हाँ। और जो मेरिया भैन है, मतलब उन्होंने परिवार हैं, ड्रिंक करते हैं परिवार वाले, उन्होंने समस्या है जो सुन वाला कोई नहीं है, वो अंदरों अंदर ही घुट घुट के परेशान हो रही ने। उन्होंने आवाज़ सुनने लिए मैं बाहर निकली हूँ ताकि मैं उन्होंने अपनी तरफ तो प्रॉपर हौसला दे सका। मैम, जैसे कि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कितना आपको उत्साह जनता में दिख रहा है बीजेपी पार्टी के लिए? मैं डोर टू डोर अकेली ही जाके अपनी फैमिली नाल, अपने फ्रेंड्स नाल जाके खुद करन लग रही है। मैंने रिस्पांस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहे हैं, सारे कह रहे हैं थोड़े नाल हैं और थोड़ा चेंज भी आना जरूरी है, क्योंकि एको ही बंदा 10 साल तो बैठा है, थोड़ा चेंज आएगा तो विकास भी होगा। तो आज हमने बात की तृप्ता शर्मा जी से, जो कि एक बीजेपी उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 30 से। उनका कहना है कि वो महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी और जी भरकर उनकी सेवा करेंगी।